दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है और आज हम लोग जा रहे हैं गांव अपने। यहाँ पे मेरी ताई जी काम पे लगी हुई हैं और इस बार इन्होंने हमारी खूब सेवा पानी की, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी टाइम मैं बीमार हो रखी थी यही मुझे देख रहे थे। धन्यवाद ताई जी आपका। वहाँ पे इनका काला मोसा लगा है तो उसको इग्नोर कीजिए। और अभी हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे घर जाने के लिए हमने अपने बैग भी रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, दोनों बैगों में हमने अपना सामान भर लिया है। पिट्ठू वाला बैग नहीं ला रखा था, इसलिए ये जो चावल और आटे के कट्टे होते हैं इन्हीं में सामान लेके जाएंगे, कोई बात नहीं है। और धूप भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी, अभी तक तो नहीं आई है फिलहाल। और आज फिर से मैं चौरास दिखाई देती हूँ आपको। चारास का नज़ारा कुछ खूबसूरत सा लगता हुआ, धूप रहती तो काफ़ी अच्छा लगता, बट अभी थोड़ा हल्की सी धुंध और है तो थोड़ी देर बाद ये साफ दिखाई देगा। थोड़ी सी तैयारी और करनी है, मतलब मम्मी लोग हो रहे तैयार, मम्मी को तैयार होने देते हैं फिर निकलेंगे हम लोग घर की तरफ। तो यहाँ पे हम जाने लग गए हैं और मेरा भैया भी अभी उठ के आ रहा है। भैया बाय। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। बाय ताई। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। खैर कुछ दिनों बाद हम लोग फिर आएंगे शादी की शॉपिंग करने के लिए, बट अभी कुछ दिनों के लिए घर जा रहे हैं। तो आज से आपको गांव के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे अगर मैं बना पाऊंगी तो। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में और यहाँ से हम लोग जाएंगे घर की तरफ। मार्केट में पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं हम थोड़ी की बस की तरफ। फाइनली इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पौड़ी बस अड्डे में और यहाँ पे हमें बस मिल चुकी है अपने गांव जाने के लिए टंगरोली। और आज मैक्स वगैरह तो नहीं थी इसलिए हम जाएंगे आज फिर यहाँ से भी बस में, और अभी बस निकलेगी 2 बजे तक। अब से फिर मिलेंगे अपने गांव में और अपने पौड़ी में पहुँच के कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो चलो निकलते हैं अभी थोड़ी देर बाद अपने घर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में और मेरी मम्मी डांट रही है कि इतनी बीमार होने के बाद भी वीडियो बना रही है, और फिर भी हम वीडियो तो बनाएंगे ही और ऊपर से पापा देखने वाले हैं तो इसलिए हम वीडियो बंद कर देते हैं और घर चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। ये और यहाँ पे हमारी गाय भी आ चुकी है घर। आज मौसम ठंडा हो गया है और ऊपर चलते हैं पहले, और अभी मम्मी मेरे लिए खाना बनाएगी फिर हम खाना खाएंगे। और थके भी लग चुके हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं फिर देखते हैं कि ब्लॉग आगे कैसे बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरे 5 बज चुके हैं और आज हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं जैसे घर पहुंची वैसे ही सो गई थी क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा सर घूमने लगता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज अपने घर आकर, और कल से देखती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करवाती हूँ या नहीं। अभी तो कुछ नहीं होगा, अब शाम का खाना बनाना है बस। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर देती हूँ, कल मिलेंगे नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।